गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ. टूडे आई एम हेयर टू टीच यू सब्जेक्ट मैथ्स. सो लेट्स बिगिन नाउ. चैप्टर नंबर 6. द नेम ऑफ चैप्टर इज फ्रैक्शन. फ्रैक्शन वी नो दैट अ फ्रैक्शन इज अ क्वांटिटी एक्सप्रेस अ पार्ट ऑफ अ होल. फ्रैक्शन का मतलब होता है क्वांटिटी एक्सप्रेस करना, पार्ट ऑफ अ होल. एक पूरे उसमें उसकी कितनी क्वांटिटी है किसी भी चीज़ के. जैसे एक में यहाँ पर दिया गया है एक पिज्ज़ा इंटू 4 equal pieces. 1, 2, 3, 4 equal pieces. राइट द नेम कैफ, रोहित, राजू एंड टिया ऑन डिफरेंस पिज्ज़ा ऑफ अ पीसेज ऑफ द पिज़्ज़ा. ओके, तो इतना ये वन पिज़्ज़ा है उसमें 4 equal parts किए गए हैं. इसको 1/4 कहते हैं फ्रैक्शन. इसको कहते हैं फ्रैक्शन. एक एग्जांपल और है आपके पास, देखिए. हियर अ बिग ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल. हियर अ बिग रेक्टेंगल is divided into 12 equal squares. यहाँ एक बड़ा रेक्टेंगल दिया गया है जिसको कि 12 equal squares में डिवाइड किया गया है. आउट ऑफ दीज 12 squares 6 squares एंड आर शेडेड इन मीन्स 6/12 पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल आर शेडेड. यहाँ पर एक बड़ा रेक्टेंगल है उसमें है उसके 12 equal squares किए गए हैं. इसमें कह रहा है 6 shaded हैं, 6 में color है और 6 नहीं है. तो ये इसको आप कैसे लिखेंगे, 6/12 पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल आर शेडेड. 12 में 6 shaded है. नेक्स्ट देखिए, हाफ, थर्ड एंड क्वार्टर्स. हाफ किसी चीज़ के 2 parts करना, थर्ड 3 parts करना एंड क्वार्टर्स 4 parts. व्हेन वी डिवाइड अ होल इनटू 2 equal parts ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/2 of the whole. 1/2 of the whole. व्हेन वी डिवाइड अ होल इनटू 3 equal parts किसी भी चीज़ का 3 parts जब हम करते हैं, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/3 of the whole. प्रत्येक पार्ट इसको हम क्या बोलेंगे, 1/3 of the whole. इट इज रिटन एज 1/3. 1 एक पूरा एक है और इसके 3 parts हैं, तो 1/3. व्हेन वी डिवाइड अ होल इंटू 4 equal parts ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/4. किसी भी चीज़ का जब हम को 4 भागों में डिवाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं 1/4 आर क्वार्टर या क्वार्टर कहते हैं ऑफ द होल. इट इज रिटन एज, इसको लिखना कैसे है, 1/4, 1/4. 2 1/2s टुगेदर मेक अ होल दैट इज 1. 3 1/3s टुगेदर मेक अ होल दैट इज 1. 4 1/4s टुगेदर मेक अ होल दैट इज 1. फ्रैक्शन इन वर्ड. फ्रैक्शन को वर्ड में कैसे लिखना है और कैसे पढ़ते हैं. 6/5 वी रीड इट इज इट एज 6/5 और या 6/5 पढ़ेंगे या 6/5, इसको 6/5 भी पढ़ेंगे या और मीन्स या 6/5, ये बीच में हाइफन लगाकर 6/5 ऐसे भी लिखा जाता है और 6/5. 6/5 तो ये आपको फ्रैक्शन वर्ड्स में पढ़ना और लिखना ऐसे होता है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं
एक्सरसाइज 6.1 फ्रैक्शन का एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सर्कल यस आर यस फॉर इक्वल पार्ट एंड नो फॉर अनइक्वल पार्ट। यहाँ पर क्या करना है आपको, यस हाँ पर टिक करना है जिसमें कि जिसका कि इक्वल पार्ट है, इक्वल मीन्स बराबर हिस्सा है। तो देखिए इसमें कोई भी हिस्सा इक्वल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें क्या है ये तीनों पार्ट इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम यस ओके ये इसका टू पार्ट है, दोनों इक्वल हैं तो ये ठीक है। इस तरह से आगे आपको देखना है और इक्वल पर टिक करना है और जो नो है उस पर नो पर टिक करना है। यहाँ नहीं है तो यहाँ नो ओके, यहाँ नहीं है यहाँ नो। क्वेश्चन नंबर 2 शेड द 1/2 ऑफ ईच शेप। प्रत्येक शेप का 1/2 वन का आधा हिस्सा आपको क्या करना है शेड करना है। शेड करना मीन्स कलर करना है आपको। तो ये टू पार्ट्स दिए गए हैं, इसमें वन पार्ट आपको कलर करना है, एक पार्ट आप कलर कर देंगे, इस पार्ट को ऐसे आप कलर से कलर करेंगे ठीक है, इसको आप कलर करेंगे, इसमें आपको कलर करना है 1/2। शेड द 1/3 इन ईच शेप। 1/3 ये पूरा एक हिस्सा है, इसका तिहाई हिस्सा जो है आपको कलर करना है ठीक है। तो ये आप एक हिस्सा इसका कलर करेंगे, इसमें भी 1/3 इसको कहते हैं ठीक है, इसको कलर करेंगे तो 1/3 इसमें आप कलर करेंगे। शेड द 1/4 इन ईच से, इसमें भी आप एक पार्ट को, ये चार हिस्से हैं 1/4 हैं तो इसमें 1 को जब आप शेड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4, इसको आप शेड करेंगे ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखिए राइट इन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 को वर्ड में कैसे लिखना है, वर्ड्स में कैसे लिखना है ये मैं आपको बताऊंगी ठीक है। अभी आपने पीछे पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 5 7/9 ठीक है। तो यहाँ आप वर्ड्स में जब लिखेंगे तो लिखेंगे 7 ये इस तरह से 7/9 = 7/9 या 7/9 ये आप इस तरह से आप इसको वर्ड्स में लिखेंगे। 8/17 तो आप लिखेंगे 8/17 9/19 2/9 ये सारे वर्क आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। अभी ये ऊपर तक के 4 क्वेश्चन आप शेड देने का है, ये आप अपनी बुक में करेंगे और नीचे के सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करा रही हूँ ये सब आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। तो ये समझ में आपको आ गया क्वेश्चन नंबर 5 7/9 8/17 9/19 कैसे लिखना है ये मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 राइट इन फ्रैक्शन। यहाँ देखिए वर्ड्स दिए गए हैं इनको आपको नंबर्स में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है। 3 ये क्या है डॉट है 5th आपको वर्ड्स में ऐसे भी लिखा जाता है 3-5th 3 मीन्स 3/5 ये 5/7 बी 5/7 ओके। तो ये हो गए
फाइव अपॉन सेवन, ट्वेल्व ओवर सेवन। सी देखिए, ट्वेल्व ओवर सेवन, ट्वेल्व ओवर सेवन को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, सॉरी ट्वेल्व ओवर सेवन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये ए बी सी थ्री हमने आपको समझा दिया। थ्री फिफ्थ, फाइव अपॉन सेवन, ट्वेल्व ओवर सेवन, ये थ्री हमने आपको क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। राइट एज अ फ्रैक्शन आउट ऑफ एलेवन इक्वल पार्ट्स थ्री आर टेकन। इक्वल इलेवन इक्वल पार्ट से थ्री आर टेकन, थ्री हमने ले लिया, तो इसको आप कैसे लिखेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, आउट ऑफ इलेवन इक्वल पार्ट आर थ्री आर टेकन। ओके, थ्री आर टेकन, तो थ्री अपॉन इलेवन। ओके, आउट ऑफ थर्टीन इक्वल पार्ट फोर आर टेकन, फोर अपॉन थर्टीन। ये इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर सेवन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर एट, फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डैश हाफ्स इन अ होल। किसी भी चीज़ का जब हम हाफ करते हैं तो कितने पार्ट हो जाते हैं उसके, टू। तो यहाँ आप लिखेंगे टू, टू हाफ्स इन अ होल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, देयर आर वन अपॉन थ्रीज इन अ होल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, थ्री, ये आप यहाँ पर लिखेंगे थ्री। देयर आर डैश वन अपॉन फोर्स इन अ होल, यहाँ लिखेंगे फोर। इस तरह से डी और ई भी कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन, शेड द फिगर्स टू शो द फ्रैक्शन रिटन बिलो देम। यहाँ पर ये फिगर है और ये फ्रैक्शन दिया गया है, ठीक है। इसको आपको ये फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपको फिगर को शेड देना है। तो वन अपॉन फोर, ये फोर है, फोर में आपको वन शेड करना है। ओके, आगे भी मैं समझा चुकी, तो ये आप करेंगे। टू अपॉन फाइव, ये फाइव पार्ट्स हैं, इनमें टू आपको शेड करना है। ये सिक्स पार्ट्स हैं, सिक्स में फाइव आपको शेड करना है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर। क्वेश्चन नंबर टेन में यहाँ आपको फिगर दिया गया है और शेड करके दिखाया गया है, आपको नीचे कंप्लीट करना है फ्रैक्शन उसका। तो यहाँ पर देखिए कितने पार्ट हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पार्ट हैं, तो फाइव ये शेडेड कितने हैं, वन टू थ्री, तो थ्री अपॉन फाइव, ठीक है। इस तरह से आपको ये शेड दिया, हाँ, फिगर शेड करके दिया गया है, इसको आप फ्रैक्शन कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू वेरी मच।